इस घर को ताला नहीं लगेगा, ताला नहीं लगेगा, टूटा हुआ है। बहुत एज ऑफ द साइड, एज ऑफ द रोड पे पॉटी कर रहा है। सो गाइज, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा था मैं पोस्ट करूंगा और मैं कोई गाली वाली नहीं दूंगा, गुस्सा ज़रूर आ रहा था इन चीज़ों पे, लेकिन ना मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता नहीं मुझे गाली दिए बिना रहना चाहिए, बिकॉज वो वीडियो वायरल हो जाती जिसमें मैं गाली दे देता हूँ, लेकिन एक्चुअली अपना गुस्सा आ रहा है। गुस्सा किस बात पर आ रहा है मैं बताता हूँ यार। तुम्हारे यहाँ पे अगर कोई फेमस हो, तुम जेलसी के मारे इतने गिर जाओगे कि तुम उन्हें मैन हैंडल करोगे, तुम उन्हें हॉकियों से मारोगे, तुम कोई भी मुद्दा बना के एक डॉग को, अगर उन्होंने अपने डॉग को सड़क पे पूप करवाया और उसे उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तुम्हारे वहाँ पे कोई गंदगी नहीं करी, तुम लोगों ने उन्हें इतना ज़्यादा मैन हैंडल किया, हरास किया, उनके ऊपर झूठा केस डाल के उन्हें 14 घंटे के लिए जेल में डाल दिया, ये औकात है? मतलब ये कौन सा तरीका है? मेरा क्वेश्चन है उन सोसाइटी मेंबर्स से जिनकी वजह से अर्जुन और जूली को ये सब फेस करना पड़ रहा है, इस बात की जेलसी थी कि वो तुमसे ज़्यादा फेमस हैं, इस बात की जेलसी थी कि वो व्लॉग करते हैं, इस बात की जेलसी थी कि उनके पास एक अच्छी हैप्पी लाइफ है? मतलब क्या था ये? तुम्हारी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम तो नज़र आ नहीं रही। मेरे को तो ये चीज़ के बारे में पता ही कल रात को चला है, मैंने उस टाइम एक वीडियो बनाई एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वीडियो समहाउ बिकॉज आई डिडंट न्यू द एंटायर केस। लेकिन अब मैंने पीपो का ब्लॉग देखा, मैंने उसके अंदर सारी केस की स्टडी देखी, मैंने और कुछ नहीं देखा, आई एम जस्ट रेफरिंग पीपो बिकॉज ही हैज रेफर्ड वेरी गुड सेक्शंस एंड आई थिंक दैट गाय हैज नेल्ड द केस। पर मैं एक बात आपको आज बता देता हूँ गाइस, ऑनेस्टली ना, ऑनेस्टली जो हरकतें ये जंगीड ने करी हैं, ये जो जयपुर वाला जंगीड है सोसाइटी का, वो पता नहीं कौन चूतिया सा है बंदा, हॉकी लेके उसे मारने आया अर्जुन को, यार मुंह से बात करना बेटा। अगर वो उसका साइज देख और अपने आप को देख, अगर वो मारता तो तू मर जाता। नहीं बहनचोद, चुतियापा कर रहे हो तुम लोग यार। मैं सोच रहा था मैं कोई गाली नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ये हरकतें करोगे, तुम्हें इतनी जेलसी थी यार उनसे, इतना कौन सा बड़ा मुद्दा हो गया था यार? उन्होंने कौन से तुम्हारे घर में आके टट्टी करवा दी डॉग को? मतलब क्या क्या आफत आ रही है बेटा? चलो ठीक है, अब वो लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं तुम्हारी हरासमेंट की वजह से, तुम्हारे घर की लेडीज को तुम धक्का दे दे के अंदर भेज रहे हो, जाओ जाके गाली दो, उल्टा सीधा बोलो, दरवाजे का लॉक तोड़ दो, ये सब कर दो, तुम इस तरह से ट्रीट करते हो अपने घर में आए लोगों को? बेटा उन्होंने तो चलो रोड पे पॉटी कराई डॉग को, उसको उन्होंने लिफाफे से उठा के साइड पे फेंक दिया डस्टबिन में, चलो जो भी जहाँ पे फेंक दिया, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे घर के बाहर गंदगी होने नहीं दी, लेकिन जो टट्टी तुम्हारे दिमाग में भरी है उसका क्या? उसको किस जानवर का हगना बोलेंगे यार? मैं मजबूर हो गया आज गाली देने के लिए, उनको घर छोड़ना पड़ रहा है। कैन यू बिलीव इट? एक बंदा घर बनाता है, बहुत दिल से बनाता है, उसमें रहने के मन से बनाता है, इस इच्छा से बनाता है कि मैं इसमें एक अच्छी सी दुनिया बसाऊंगा अपनी, तुम लोगों ने वो भी छीन लिया। क्या वाहियात जेलस लोग हो यार तुम लोग, मतलब इतनी जेलसी, खुद से कुछ होता जाता नहीं है, लोगों को बुरा बोल के आगे आना है तुम लोगों को? मतलब यार मैं मतलब शॉक्ड हूं यार, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ऑनेस्टली नॉट सॉरी फॉर, क्या बोलूं, छोड़ो यार। गाइज इतना बोलूंगा अर्जुन एंड जूली को, अपने एंड पे मैं यही बोल सकता हूँ, मैं किसी और के एंड पे बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने एंड पे बोल सकता हूँ, इन फ्यूचर या अभी भी किसी भी तरह की अगर उन्हें ज़रूरत है, वो इसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी बात रखना चाहते हैं लाइव पे, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। कोई भी कंटेंट क्रिएटर साथ हो या ना हो, पीपॉय अक्षय ने, आकाश ने बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं इनके ऊपर, अगर आपको क्लियर रेफरेंस चाहिए वीडियो का तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी है, तो आप जाके वो देख सकते हो। गाइज मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँगा, मुझे ये जो जेलस लोग हैं ना, इनसे बहुत नफरत होती है, खुद ये कुछ कर नहीं पाते, दूसरे को ये करने नहीं देते, मतलब वाहियात स्टफ। ग्रो अप गाइज, एटलीस्ट मेंटली ग्रो करो, लोगों को सपोर्ट करना सीखो, हेल्प तुमसे कोई मांग नहीं रहा क्योंकि तुम लायक नहीं हो, लेकिन सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।
अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बट यार उम्मीद कम ही रह गई है, बिकॉज जितनी बार भी ये चीज़ बोलता हूँ ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी कंटेंट अच्छा नहीं है, धीरे धीरे बेटर करता जाऊंगा। ये बोला जा रहा है कि उसकी वाइफ जो जर्मनी से है उसके साथ जो उसके प्राइवेट मोमेंट्स है फोन में वो निकाल के वायरल कर दिए जाएंगे। बड़ा बनता है तू सोशल मीडिया पे, बड़ा व्लॉगर बनता है, इस तरह की धमकियां। तब जबकि उसको अरेस्ट भी गलत किया गया और सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि हॉकी स्टिक किसी और ने निकाली थी, स्नैच फोन किसी और ने करा था ट्राई करने का, ट्रेस पास किसी और ने किया था, गैंग अप किसी और ने किया था, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? दूसरा, जब उसने पानी मांगा तो उसको स्पिट करके पानी दिया गया कि ये पानी है पीना है तो पी। उसको 3 घंटे के लिए नीचे फ्लोर पे बिठाया गया, 14 घंटे के लिए हवालात में अंदर रखा, उसके बाद 2 बजे अगले दिन उसको रिलीज करा गया। Okay, this is our story, guys. And if thank you so much to people, Mr. Akash bhai, thank you so much to putting our story. Thank you so much. And I really beg to the YouTube fellow YouTube creators, bhai, please help. Koi sun nahi raha hai, koi kuch kar nahi.